बिगनिंग ऑफ द फॉरेन मूवमेंट, ये फॉर्जिन नहीं है, नहीं फॉर्जिन नहीं, फ्रीडम मूवमेंट है वो, सॉरी, बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हमें चाहिए आजादी, भुखमरी से आजादी, पढ़ाई पढ़ाई से आजादी। इंग्लिश जरूरत एजुकेशन मेड मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, कर लूंगा अटेंडेंस, द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म वर सोन बाय रिफॉर्म्स ऑफ न्यूली एजुकेटेड, इन सबको है ना देखा, आई एम स्टार्टिंग अगेन, बात हुआ था एजुकेटेड सोसाइटी, ड्यू टू वेरियस मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया अ फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑल इंडिया लेवल, मतलब पॉलिटिकल जो फेवरेबल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुई थी उसके से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया में बिल्ड करने की जरूरत थी, विच विल ब्रिंग टू टुगेदर द वेरियस प्रोविंशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। देखो हमारे इधर फॉल्ट क्या था मेजरली कि है ना हमारे पास यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी नहीं थी तो ये डिफरेंट प्रोविंसेस थे, डिफरेंट प्रोविंसेस अपना अलग अलग क्या बोलते पॉलिटिकल फाइट्स लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, बट है ना एक यूनाइटेड फाइट होना, इसलिए एक ऑल इंडिया लेवल जिसके तरफ क्या बोलते एक हम जिसके ऑन बिहाफ उसके ऑन बिहाफ हम लड़े, और हाँ यही बोलना था बस, विच ब्रिंग टुगेदर जो एक साथ लाए सब पॉलिटिकल स्ट्रगल को, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल अवेयर पीपल एंड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द नेशन बाय डाइवर्टिंग द पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द नेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी ब्रिटिश का राज कितना भी बड़ा रन दो उसका जो कारोबार है ना वो मेन एक ही चीज जन देता था, इंडिया में वैसे कुछ नहीं था। ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ इन ट्रू सेंस, एक ही वन रूफ बोले तो एक ही जन एक ही इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन देखने लग गई थी। इंडिया पहले कैसे डिवाइडेड था, मुगल्स शिवाजी महाराज के मराठा रूल्स, फिर आदिल शाही तुगलक शाही और क्या 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 क्या, क्या बोलेंगे, ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड अमंग द पीपल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते कामकाज, एंड स्विफ्ट मूवमेंट बोलते कार में जाने का नहीं, उसका मतलब स्विफ्ट का मतलब कार नहीं हो गया, मतलब इजी मूवमेंट, गुड्स का भी इजी मूवमेंट होने लग गया, ऑफ द आर्मी द ब्रिटिश बॉयकॉट अलग चीज रहती, बॉयकॉट बोलते स्विफ्ट मूवमेंट नहीं रहता, बॉयकॉट बोलते तो अपोजिशन करो गुड्स, अभी पढ़ा लिखा है यार ऐसा मत नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड, देखो इसके ऊपर अलग प्रवचन दूंगा 5:30 के बाद रुकने की कोशिश कर, तो 1 घंटा प्रवचन दे बॉयकॉट रेलवेज, बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियन एज वेल एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, देर वॉज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रू अप, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग कैसी है बढ़ गई, वेस्टर्न एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन न्यू आइडियाज सच एज जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वर इंट्रोड्यूस टू द इंडियंस, rationalism, scientific attitude, humanity, nationalism, these principles were accepted by the Indians. Indians ने ये सारे principles accept कर लिए थे. Therefore, they inculcated a feeling that were capable of carrying out the work of the country. And its progress is possible. Following this principle, India is a country of diverse language. बहुत सारे different different languages के country है. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया को मिल गया, टेक्स्ट बुक लाई क्या सबने, हेलो सुन के भी अनजान मन रहे, देखो स्टडी ऑफ एंशिएंट इसको बोलते डाउट सेशन, स्टडी ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द
The Asiatic Society was established in Bengal by the British. तुम लोगों ने तो टेक्सबुक नहीं लाई तो इसलिए तुम लोग अंडरलाइन करके कुछ फायदा नहीं है, वैसे ही बढ़ जाते बिना टेक्सबुक के. Many Indian and Western scholars started क्या हो गया? हाँ ये याद है. And Western scholars started study of Indian culture. The manuscript of Sanskrit, Persian and other language were examined and research were published. Dr. Bhau Daji Lad, Dr. R.J. Bhandarkar, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture. After understanding that we are blessed with glorious ancient tradition, the Indians were awakened with a sense of identity. The Bhandarkar Oriental Research Institute is working since last 100 years in Pune. पुणे में पिछले 100 साल से कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज पेपर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एंड वर्नैक्युलर न्यूज पेपर एंड पीरियडिकल केम टू बी पब्लिश्ड. दो द न्यूज पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टू प्लेस. न्यूज पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार, पत्रिका, केसरी, मराठा स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया उन्होंने. अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अंडरलाइन करो आपके टेक्स्टबुक में. ऑन 28 दिसंबर 1885 द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट गोकुल दास देशपाल संस्कृत स्कूल मुंबई. 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द सेशन. ओमेश चंद्र बैनर्जी अ रिनाउंस्ड लॉयर एंड फ्रॉम कोलकाता वाज द प्रेसिडेंट. कौन था प्रेसिडेंट? ओमेश चंद्र. हाईलाइट करो ना. क्या हाईलाइट करूं? नाम क्या वो आपने जो अंडरलाइन करने को बोला वो ये वाला पार्ट बोला मैंने अंडरलाइन करने को. इन दिस सेशन दे एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अ ब्रिटिश ऑफिसर टुक लेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. किसने लिया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने. इन increased proportion of Indians in the administration, reduce of military expenses of British government. Such statement were sent to the British. Objectives of the Indian National Congress. Kya objective did? To make people from the different parts of India forget the different differences in religion, race, caste, language, geographical territories, and bring them on a common platform to understand each other's problem and view to increase feeling of openness. मतलब लोगों को एक साथ लाने का वो Indian National Congress का क्या था? ऑब्जेक्टिव था. ओके ओके अभी हम सैटरडे को बैठेंगे.